वाले हैं तो हमने कहा था कि आप यूपी से नहीं हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इस प्लेटफॉर्म पर वॉच करते हैं कथारसिस स्टेज। व्हाट डज कथारसिस मीन? देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो कथा का रस होता है ना, जो कथा का रस होता है, कैसा होता है कथा का रस? बहुत ही प्योर, बहुत ही पवित्र होता है, करेक्ट ना? सो कथारसिस इज द टर्म गिवन बाई ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज वर्क पोएटिक्स, और इन्होंने कहा था द मेन पर्पज ऑफ अ ड्रामा इज टू ब्रिंग कथारसिस। क्यों इज टू ब्रिंग कथारसिस का क्या मतलब है? कि रिलीजिंग और परगेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस का, है ना, परगेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, इसी को बोला जाता है कथारसिस। यानी कि जो कथा का रस होता है, जैसे कथा हम लोग सुनते हैं तो लास्ट में जो होता है ना, बड़ा अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है ना। इंजॉय कीजिए लिटरेचर को, अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कथारसिस इज द टर्म जिसे हम लोग परगेशन या प्यूरिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है? तो एरिस्टोटल ने कहा क्या कहा था, थ्रू पिटी एंड फियर अराउजिंग प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशन। दो वर्ड भी यूज किए थे, फियर एंड पिटी, थ्रू पिटी एंड पिटी एंड फियर अराउजिंग प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशन। मतलब इसका मतलब बड़ा सिंपल है, थोड़ा मेरी और भाषा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक मूवी देखा, मूवी में क्या हो रहा था कि किसी ने किसी का मर्डर किया, अब मर्डर करने के बाद फिर वो पकड़ा गया, फिर उसकी ले जा करके सलाखों के पीछे ये है ना, फिर चलती है ना वो डंडा जो चलता है, करेक्ट ना? यस, है ना, हाँ, बहुत ही अच्छे से मजा आता है, ठीक है, यस, एरिस्टोटल। तो अब मैंने बताया कि जैसे आपने मूवी देखा, फिर उसकी ने मार पड़ी, उसको ले गए चुपचाप, फिर उसकी धुनाई हुई, आपने मूवी को देखा, आपने भी सोचा था कल एक का मर्डर करना है मुझे, अब आपका माइंड चेंज हो गया, पिटी एंड फियर। एक तो दया ही, जब उसकी कुटाई हो रही थी और जो उसकी आवाज निकल रही थी, वो जो आवाज निकल रही थी कुटाई के बाद, एक तो आवाज दिमाग में आ रही थी, दूसरी चीज फियर कि गुरु अगर हम ऐसा किए तो अगले दिन हमारा नंबर होगा, हमको ऐसे, और फिर बाइटिंग शुरू होगी, करेक्ट ना? सो पिटी एंड फियर अराउजिंग प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस, ठीक है, दैट इज नोन एज कथारसिस। कथारसिस को परगेशन या प्यूरिफिकेशन बोला जाता है, टर्म दिया था एरिस्टोटल ने, और वर्क का नाम था पोइटिक्स, इन द पोइटिक्स इट वॉज गिवन, गाइस, ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट